हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आप में से बहुत सारे बंदे कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। ये बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए जो बिजनेस को पहले से कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई भी बिजनेस कर रहे हो, मतलब दुकान पे जा रहे हो। दोस्तों किरियाना आइटम्स में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम दुकानों पे जाते हैं, उनमें अगर हम एड ऑन कर ले अपने साथ तो उन्हें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता है। बस क्या है, आपको उन आइटमों के बारे में पता नहीं होता और वो मार्केट में बहुत रेगुलर यूज होते हैं, हर घर में यूज होते हैं, किसी को भी जरूरत होती है तो वो काफी यूज होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूं जिसका बिजनेस करके आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों आज हम बात करेंगे फेविक्विक के बारे में। फेविक्विक का होलसेल रेट, रिटेल रेट और प्रॉफिट मार्जिन, सारी चीजें इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ फेविक्विक का इस तरीके के पैकेट आते हैं। ये देखिए, ये पाउच होता है, इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। इस पाउच के अंदर इस तरीके की तीन लड़ियां होती है, ये देखिए, इस तरीके की तीन लड़ी, एक लड़ी के अंदर 27 पीस होते हैं। मैं आपको गिन के दिखा देता हूँ, ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 × 26 और एक ये 27, टोटल 27 पीस होते हैं। इसमें साथ में ये एक हैंगर मिलता है जिसमें दुकानदार इन तीन लड़ियों को हैंग कर लेता है, तीन लड़ियों का ही ऑप्शन इसमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद जो इसमें निकलती है वो पहले फेविकोल की ट्यूब निकलती थी 10 रुपए वाली, अब ये फेविक्विक की ही ट्यूब निकल रही है, तो ये इसके साथ फ्री होती है। अब मैं आपको इसके प्रॉफिट के बारे में बताऊंगा और ये आपको होलसेल रेट में क्या रेट मिलेगी। ये जो आपको पूरा पाउच है, मतलब इस तरीके का तीन लड़ी का पाउच आपको 300 रुपए का मिलेगा, मतलब एक लड़ी आपको 100 रुपए की मिलेगी, 100 रुपए लड़ी, ठीक है। और आपको इसे मार्केट में जो सेल करना है वो 112 रुपए में सेल करना है। मार्केट से आपको मिली 100 रुपए में, आपने सेल करी 112 रुपए में। जो आपकी पेटी होती है उसमें इस तरीके के 20 पैकेट होते हैं, तीन लड़ी वाले 20 पैकेट, मतलब टोटल 60 लड़ी एक पेटी के अंदर होती है, ठीक है। और आप जो कमा रहे हो वो एक लड़ी पे 10 रुपए का, और जो आप कमा रहे हो वो एक लड़ी पे 12 रुपए कमा रहे हो, 12 रुपए और 60 लड़ी, तो एक पेटी पे आप 720 रुपए कमा लोगे, 720 रुपए का प्रॉफिट आपको एक लड़ी पे होने वाला है। इसी तरीके से अगर आप किसी को ये पूरा पैकेट दे देते हो, ठीक है, तो उसको ये फेविक्विक इसमें लिखी हुई है ये फ्री मिल जाएगी 10 रुपए वाली, अगर पूरा तीन लड़ी का पैकेट आप किसी को देते हो। और वही अगर आप इसे लूज लूज बेचते हो, एक ही लड़ी बेचते हो, कोई दुकानदार आपसे एक ही लड़ी लेता है, तो ये आपके लिए फ्री होगी। और इसे भी आप 8 रुपए 7 रुपए में मार्केट में सेल कर सकते हो, 10 रुपए बिक्री में है। अगर आप इसे 7 रुपए में भी सेल करते हो और सारी लड़ियों को आप लूज ही बेचते हो तो 20 लड़ी में आपको 140 रुपए का और प्रॉफिट होगा, मतलब 720 + 140, 860 रुपए का आपको एक पेटी पे मार्जिन हो जाएगा, एक पेटी पे मार्जिन 860 रुपए का। अब उस पेटी को आप एक दिन में सेल करते हो चाहे दो दिन में सेल करते हो, वो आपके ऊपर बात है कि कैसे सेल कर पाते हो। जिस तरीके से भी आप उसे सेल कर लोगे उतना ही आप प्रॉफिट कमा लोगे। ऐसे प्रोडक्टों को अगर आप अकेले ना ले जाकर, मतलब सिंगल सिंगल ना ले जाकर, जो आप कोई प्रोडक्ट मार्केट में ले जा रहे हो उसके साथ लेके जाओगे तो आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट भी मार्केट में बहुत बिकते हैं। अगर आप सिंगल लेके जाओगे तो ये दुकानदार के पास मान लो होते हैं, ये दुकानदार के पास यूज कम होते हैं, मतलब होने को तो ये काफी यूज हो जाते हैं पर ना होने को रुके भी रह जाते हैं, तो ये आपको टंगे हुए मिल जाएंगे। सिर्फ इसको लेके जाओगे तो आपकी उतनी सेल नहीं निकलेगी जितनी आप सोचते हो, पर आप इसके साथ कोई अदर प्रोडक्ट लेके जा रहे हो उसके साथ इस प्रोडक्ट को लेके जाओगे तो आपकी सेल अच्छी निकलने वाली है।
मेरा बताने का मकसद ये है कि आपको हर एक प्रोडक्ट के बारे में जो मार्केट में चल रहे हैं उनके बारे में सबके बारे में पता होना चाहिए, जिससे आप कोई भी अगर बिजनेस शुरू करते हो उसके साथ आपको कोई प्रोडक्ट एड ऑन करना है तो वो आप आराम से कर सको। दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये मेरे पास से आपको अवेलेबल नहीं होगी, ये आपको आपके नियर बाय में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा या कोई होलसेलर होगा उससे आपको ये परचेज कर लेनी है, परचेज करके ही आप मार्केट में सेल कर लेना। बाकी दोस्तों आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहो। आशा करता हूं दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अलग धमाकेदार बिजनेस आइडिया के साथ।